ये भी बड़ी अजीब बात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं पांच चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो इसके बारे में जो बात कर रहा है सब गलत कर रहा है। पांच चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस साआ, अल्लाह कहते हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता क्यामत कब आएगी। वयुनज्जिलुल गैस, बारिश ने कब कहां और कितना बरसना है कोई नहीं जानता। रिज्क किसके पास कितना पहुंचेगा अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। वयालमु मा फिल अरहाम, मां के रहम में ये तो मालूम कर लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे ये नहीं मालूम कर सकते कितना जिएगा, कितना कहां रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नेक होगा, बद होगा, फरमाबरदार होगा, नाफरमान होगा, अल्लाह फरमाते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह फरमा रहे वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तकसिबु गदा, कोई नफ्स ये नहीं जानता, इंसानों को छोड़ो कीड़े मकौड़े भी ये नहीं जानते कि कल उनको उनका रिज्क कहां से मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि आज मैं खाना यहां बैठ के खाऊंगा, कोई आइडिया नहीं, अल्लाह कहते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह कह रहे हैं पांचवीं चीज वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी और कहां आएगी। सुलेमान अलैहि सलाम के दौर में मलकुल मौत से सुलेमान अलैहि सलाम की बड़ी दोस्ती थी, तो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहि सलाम मलकुल ये सुलेमान अलैहि सलाम के दरबार में अक्सर आया करते थे। तो एक दिन दरबार में आए तो एक आदमी को बार बार देख रहे, वो घबरा गया, किसी को मलकुल मौत देखे उसकी वैसी जान निकल जाएगी कि ये मुझे, और वो भी बार बार देखे तो वैसे ही होश उड़ जाएंगे। तो उसने सुलेमान अलैहि सलाम से कहा कि जी मलकुल मौत मुझे बार बार देख रहे हैं, आप ऐसा करें मुझे तो हिंदुस्तान पहुंचा दें। तो उन्होंने एक जिन से कहा भाई इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो, तो हिंदुस्तान पहुंचा दिया उनको। तो बाद में सुलेमान अलैहि सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम इस आदमी को बार बार क्यों देख रहे थे? कहते मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह ने मुझे कहा कि इसकी जान हिंदुस्तान में निकालो, ये यहाँ खड़ा क्या कर रहा है।